ठीक है, सेकेंड यूनिट जो हमारी है वो है आपकी हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस। मैंने इसमें दो से तीन टॉपिक कवर करे हुए हैं, हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस, बायंसी एंड फ्लोटेशन। सबसे पहली बात मैं आपको चीज बताता हूँ, इससे पहले मैंने आपका एक वीडियो बनाया था बीएमसी का, बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन का, उसके बाद मैं डायरेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स पर वीडियो बना रहा हूँ। उसका रीजन ये है, अभी मैंने आपका डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्स आरसीसी इनको अपलोड करा हुआ है, ठीक है, मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी अपलोड करा हुआ है। तो यार हर सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने आपके स्टील के जो क्वेश्चंस डाले हुए हैं, मैं पक्का आपको कह रहा हूँ कि जो 150 क्वेश्चंस मैंने आपके स्टील के डाले हुए हैं वो डायरेक्ट आप याद करो, ऑब्जेक्टिव में से उन 150 में आप बुक्स, अगर अगर मैं इन पांच बुक्स का नाम लू तो इन पांच बुक्स में ही कम से कम आपके पास 1000 क्वेश्चन है स्टील के, उन 1000 क्वेश्चन में से मैंने आपको 150 क्वेश्चन छाट कर दे दिए हैं, और मैं पक्का कह रहा हूं कि आपका स्टील का पेपर इन 150 क्वेश्चन के ऊपर ही बेस्ड आएगा। तो जब मैं आपको क्वेश्चन छाट कर दे रहा हूं तो आप डायरेक्ट उन क्वेश्चन को याद करो। मुझे नहीं लगता कि स्टील जैसे एक बड़े सब्जेक्ट पे, हाँ जब स्टील के कन्वेंशनल की बात आएगी तो मैं आपका वीडियो बनाऊंगा अच्छे से स्टील पर, बट अब अननेसेसरी स्टील के ऑब्जेक्टिव के लिए मुझे वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से मैंने आपको एस्टिमेशन कॉस्टिंग एवेल्यूएशन का भी डाला हुआ है, तो उसके आप डायरेक्ट क्वेश्चन याद करो। यार आपने बचपन में बायोलॉजी भी याद करी थी तो आपको थोड़ी बायोलॉजी समझ में आती थी, फिर भी आप रटते थे ना, उसी तरीके से आप स्टील के क्वेश्चन देखो और आंसर देखो, क्योंकि आपको वो डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं वहां पर। हाँ, अब फ्लूइड मैकेनिक्स तो मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे को लगता है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में मुझे वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए मैं फ्लूइड मैकेनिक्स में वीडियो बना रहा हूं। तो सेकंड टॉपिक है हमारा हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस, बायंसी एंड फ्लोटेशन। देखो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ, स्टडी आपका जो भी एसएससी जेई का ऑब्जेक्टिव आएगा, बहुत बड़ी यूनिट है ये तीनों, अगर मिला के देखो तो बहुत बड़ी यूनिट है, बट इसमें से मैंने आपकी टॉपिक अलग से निकाल लिए, सेंटर ऑफ बायंसी निकाल लिया, मैनोमीटर निकाल लिया, आर्किमिडीज, गेज प्रेशर, पास्कल लो, मेटा सेंटर, मेटासेंट्रिक हाइट, एब्सोल्यूट प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पीजोमीटर, पीटर ट्यूब, वेंचुरीमीटर, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी प्रेशर इन वेसल। ठीक है, आपका देखो सबसे पहली बात टॉपिक्स ये हो गए आपके, इनके अलावा इन चैप्टर से कोई भी टॉपिक मत पढ़ना, एसएससी जेई उन टॉपिक्स को नहीं लेता है। ठीक है, दूसरी बात अब मैं बताता हूं, अगर आपकी इच्छा हो तो आप कोर्स बुक में से बिल्कुल भी इनको मत पढ़ना, ये जितने भी स्टडी के लिए मैंने आपको टॉपिक लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आपको हैंड बुक में मिल जाएंगे। अगर आपको इन टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता तो आप हैंड बुक से एक से दो लाइन पढ़ लो, ऐसा नहीं कि कोर्स की बुक उठा के आप पास्कल लॉ पर रिसर्च कर रहे हो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पर आप रिसर्च कर रहे हो, क्योंकि इनके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो मैं सिलेक्ट कर चुका हूं, जो इस वीडियो के इस चैप्टर के एंड में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो अननेसेसरी बुक से मत पढ़ना, हैंड बुक से जितने भी टॉपिक्स हैं आप यहां से लेके यहां तक के टॉपिक पूरे हैंड बुक में है, तो हैंड बुक से एक एक दो दो लाइन आप सारे टॉपिक्स की पढ़ लेना। ठीक है, इसमें फिर मैंने आपको सजेशन दिया न्यूमेरिकल्स का, मैंने आपको बोला है कि जिस तरीके से फ्लूइड प्रॉपर्टीज में मैं आपको बोल रहा था कि आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बट कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं। अब मैंने आपको लिख दिया है किस किस में आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, डिफरेंस इन प्रेशर हेड के न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने हैं, प्रेशर फोर्स और इमर्स प्लेट, प्लेट भाई स्ट्रेट है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या इंक्लाइंड है, उस पर प्रेशर फोर्स क्या होता है उस पर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। और कभी कभार क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है अजीब सा कि भाई एक मीटर इतना लिक्विड है, जैसे मान लो एक मीटर वाटर है तो वो ऑयल की कितने मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वो एक प्रेशर का क्वेश्चन आता है, वो भी आप प्रैक्टिस इसमें कर लेना। ठीक है, और जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप इसको हैंडबुक से पढ़ लो। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से बुक से आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये है आपकी बुक्स। ठीक है, जितने भी मैंने आपके टॉपिक लिखे थे लाइक पास्कल लॉ या आर्किमिडीज जितना भी था, उन सब के क्वेश्चन हम अगर आप हैंडबुक से उन टॉपिक्स को नहीं भी पढ़ते हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन सारे टॉपिक के जो क्वेश्चंस हैं वो इन सारी बुक्स में मैंने कवर कर लिए हैं। सबसे पहले आर एस खुरमी के आप 32 से लेकर 65 क्वेश्चन कवर करोगे, वी एस मूर्ति के आप पहले 21 से लेकर 41 से 44 और इसके बाद 64 to 75 आप लर्न करोगे, आर अघोर के 25 to 42। मैंने फिर बोला है जिसके पास नया एडिशन हो जिससे मेरे क्वेश्चन मैच ना हो वो मुझसे फेसबुक पर फोटोज आर अघोर के ले लेना। और मैंने आपसे ये बोला है कि स्पेशली फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक बहुत ज्यादा अच्छी है, तो आप ये मुझसे फेसबुक पर ले ही लेना, बट हाँ एफ एम के ही मांगना। ठीक है, लक्ष्मी पब्लिकेशन के आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे 17 to 24, उसके बाद 125 से लेके 126 और 134 से लेके 150, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करोगे, वो न्यूमेरिकल्स भी इस पूरे टॉपिक में आ जाएंगे जो मैंने आपको लिखे थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट यूनिट पर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लूइड काइनेमेटिक्स। देखो
इस फ्लूइड काइनेमेटिक्स में मैंने आपको सबसे पहले लिखा हुआ है, देखो स्टडी डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स, ये स्टडी में जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं इन सब की डेफिनेशन आपको क्लियर पता होनी चाहिए, क्योंकि इन सारे टॉपिक्स में कंफ्यूजन थोड़ा रहता है। एसएससी जेई क्या करता है, जितने भी टॉपिक मैंने आपके सामने लिखे हैं इनसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है और उनके एग्जांपल्स भी। अभी तक जो मेनली क्वेश्चन से दे रहा है इन सबके एग्जांपल से दे रहा है। आपको क्या पढ़ना है, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। स्पेशली आप स्टडी अनस्टडी और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में डिफरेंस याद रखना, क्योंकि स्टूडेंट इसको बहुत ज्यादा भूलते हैं कि कौन सा स्टडी है और कौन सा यूनिफॉर्म है। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आपका लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन एंड कंटिन्यूटी इक्वेशन। इस स्ट्रीम लाइन और इस स्ट्रीक लाइन को भी आप थोड़ा ध्यान से देखना, कंफ्यूजन इसमें होता है। आप कुछ भी नहीं करोगे, सारे के सारे टॉपिक आपको मेड इजी की हैंडबुक में मिल जाएंगे। आप चाहो तो एक एक दो दो लाइन उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, फ्लूइड मैकेनिक्स को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। 10 मार्क्स का आता है 100 मार्क्स में से, तो अगर आपने इसको लाइटली लिया तो आप इसके 1 से 2 क्वेश्चन कर पाओगे, वरना फ्लूइड मैकेनिक्स आपसे कवर नहीं होगा एसएससी जेई में। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन आप हैंडबुक से पढ़ लेना। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में मैंने जितने भी टॉपिक लिख दिए हैं गलती से भी एक फॉर्मूला छोड़ मत देना। मैंने क्या क्या फॉर्मूला लिखा, कंटिन्यूटी इक्वेशन का रिलेशनशिप, टोटल एक्सेलरेशन, कन्वेक्टिव एक्सेलरेशन, लोकल एक्सेलरेशन, वेलोसिटी पोटेंशियल एंड स्ट्रीम लाइन फंक्शन। याद रखना वेलोसिटी पोटेंशियल और स्ट्रीम लाइन फंक्शन में एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, हमने सब कुछ, मैंने जो भी ये जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए आपका इस यूनिट में से, इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा और कहीं से भी नहीं आएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी फालतू पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये टॉपिक्स भी हमने ऑब्जेक्टिव बुक्स में कवर कर लिए हैं। देखो लास्ट में मैंने आपके सामने नोट लिखा हुआ है, डू नॉट प्रैक्टिस एनी न्यूमेरिकल, कोई भी न्यूमेरिकल बहुत, देखो जो मैंने लिखा हुआ है ना, डू नॉट प्रैक्टिस एनी न्यूमेरिकल, दैट मीन्स इस यूनिट में से 95% चांसेस है कि कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। 5% में इसलिए छोड़ रहा हूं, कल को आ गया तो आप मुझसे लड़ो नहीं, क्योंकि मेरा अकॉर्डिंग तो 100% में से न्यूमेरिकल नहीं आएगा। और इन केस अगर वेलोसिटी पोटेंशियल और स्टीम लाइन फंक्शन में न्यूमेरिकल आ गया तो बहुत ही ज्यादा। देखो अगर हम दूसरे जेई की बात करें, सबसे पहली बात आपके स्टेट का जेई और एसएससी जेई बहुत अलग अलग चीज है। आपके स्टेट के जेई में 100% स्ट्रीमलाइन फंक्शन और वेलोसिटी पोटेंशियल का जो रिलेशनशिप होता है, या मैं आईईएस की बात करूं, इनमें आपका इन दोनों का न्यूमेरिकल पक्का आता है। बट एसएससी जेई इनके ऊपर न्यूमेरिकल आपको नहीं देगा, ओनली थ्योरेटिकल क्वेश्चन देगा। तो इसमें से आपको कुछ भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्लूइड काइनेमेटिक्स में से आप देखो आर अघोर में से 51 से 58 और वी एस मूर्ति में से 76 to 80, लक्ष्मी पब्लिकेशन में से 25 to 36 एंड खुरमी में से 104 से 126। ठीक है, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो आपका फ्लूइड डायनामिक्स एंड फ्लो मेजरमेंट। ठीक है, इसमें आप ध्यान से देखो, स्टडी में मैंने लिखा है आपको आयलर्स इक्वेशन। आप यूलर करते हो, यूलर नहीं होता, ये आयलर्स होता है, आयलर्स इक्वेशन, बर्नौली, वेंचुरीमीटर, पिटट ट्यूब। अब देखो ध्यान से सुनना, जो भी मैंने रेड में अंडरलाइन करा हुआ है दैट मींस ना इसके आपको ढंग के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। चलो एक चार करते हैं, एडी विस्कोसिटी का कोई न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव बुक में भी नहीं है, ना ये हैंडबुक में देके रखी हुई है। आप एडी विस्कोसिटी को थोड़ा सा ज्यादा नहीं बड़ा पढ़ना, आपका 2 से 4 लाइन एडी विस्कोसिटी की आप पढ़ोगे आपकी कोर्स बुक में से। उसके बाद मैं वियर एंड नोजस की बात करता हूँ। ये जितने भी मैंने वियर और नोजस लिखे, सूत्र ऑफ वियर या वी नॉच, सबमर्ज्ड, ब्रॉड क्रस्टेड, रेक्टेंगुलर, इन सबके डिस्चार्ज के फॉर्मूला आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि वो आपसे डिस्चार्ज और जो हाइट होगी पानी की उनके बीच में रिलेशन पूछ लेगा कि भाई डिस्चार्ज एच की 3/2 पर प्रोपोर्शनल है, एच की 5/2 पर है। तो आपको इन सबके फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, और ये डिस्चार्ज के फॉर्मूला आपको हैंडबुक में नहीं मिलेंगे। हाँ, डिस्चार्ज जो जितने भी वियर और नॉच के क्वेश्चंस हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव बुक्स में से मिल रहे हैं। तो आप अगर इसको कोर्स बुक में से ना भी पढ़ो तो आपको ये ऑब्जेक्टिव बुक में से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बताता हूँ। ठीक है, तो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपको इसमें कोई भी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करना है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ, हमने इसके क्वेश्चन देखे हैं,
अगर इसके क्वेश्चन आपने देखे हैं, या तो वो आप किसी स्टेट का जेई होगा या फिर वो आपका एसएससी जेई का कन्वेंशनल होगा। एसएससी जेई में से कोई न्यूमेरिकल नहीं आया है ना आएगा, ठीक है। तो हम चालू करते हैं वीएस मूर्ति से। वीएस मूर्ति के आप पहले 81 to 86 क्वेश्चन करोगे, उसके बाद 151 से 157 और उसके बाद 161 से 203। लक्ष्मी पब्लिकेशन का 39 to 47। आर अगोर को पहले 119 से लेके 119 से लेके 148 तक करोगे, फिर 194 से 198। और खुरमी, इस टॉपिक के लिए खुरमी थोड़ी मुझे अच्छी लगी, 126 से लेके 162, 175 to 184 एंड 194 to 229। सो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना विस्कस फ्लो ऑफ इनकंप्रेसिबल फ्लूइड एंड फ्लो थ्रू पाइप्स। ये वो टॉपिक है जिसके आप बहुत हल्के हल्के क्वेश्चन याद कर लेते हो और इसमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहली बात, मैंने स्टडी में आपको लिखा है HGL means hydraulic gradient line, TEL मतलब total energy line, इनके ऊपर आपका क्वेश्चन आ सकता है। उसके मैंने बात लिखा है kinetic energy and momentum correction factor, momentum energy correction factor, entrance length and equivalent length of pipe, Reynolds number in pipe flow और Darcy-Weisbach equation। ये जितने भी हैं आपके टॉपिक्स, ये आपको MADC की हैंडबुक में मिल जाएंगे। इन सब टॉपिक से क्वेश्चन आएगा जो कि मेरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। अगर आप नहीं भी पढ़ो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो मैंने रेड सेंटर लाइन करवा है Darcy-Weisbach इक्वेशन, ये आपको ना तो ऑब्जेक्टिव बुक में मिलेगी ना ये क्वेश्चन आपको आपके हैंडबुक में मिलेगा मेडिसी की। इसके लिए आपको अपनी कोर्स की बुक पढ़नी पड़ेगी, Darcy-Weisbach इक्वेशन आप देख लेना। उसके बाद मैं फॉर्मूलाज पे आता हूं। फॉर्मूलाज में है देखो, पाइप की बात अगर हम कर रहे हैं तो लॉस होते हैं, जैसे फ्रिक्शन आपका मेजर लॉस होता है, और जितने भी एंट्रेंस एग्जिट बैंड एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन, ये सब आपके माइनर लॉसेस होते हैं। ये आपको हैंडबुक में डायरेक्ट फॉर्मूलाज मिल जाएंगे, और जो भी फॉर्मूलाज के आगे मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं वो आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। वापस से मैंने Darcy-Weisbach इक्वेशन जो है वो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद मैंने लिखा हुआ है फ्रिक्शन फैक्टर जो होता है एफ, लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो दोनों के लिए अलग अलग होता है, इसके फॉर्मूला आप याद कर लेना, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई लेमिनार फ्लो के लिए फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है या टर्बुलेंट फ्लो के लिए फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला क्या है। उसके बाद ये भी आपको हैंडबुक में, मेडिसी हैंडबुक में मिल जाएगा। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स इन सीरीज एंड पैरेलल का रिलेशनशिप होता है कि भाई अगर आपने 5 पाइप एक साथ सीरीज में लगा दिए या 6 पाइप पैरेलल में लगा दिए तो उनकी इक्विवेलेंट लेंथ कितनी होती है, उनकी टोटल लेंथ कितनी होती है, तो ये भी आपको हैंडबुक में मिल जाएगा। बट इसके बाद देखो, मैंने आपको टिक करा है लॉस ऑफ प्रेशर हेड इन लेमिनार फ्लो, ना तो ये आपको ऑब्जेक्टिव में मिलने वाला है ना ही आपको हैंडबुक में मिलने वाला है, तो वापस से ये आपको कोर्स बुक्स में से पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सब आपके कवर हो जाएंगे ओनली ऑब्जेक्टिव बुक से, बट फ्लूइड मैकेनिक्स थोड़ा टेढ़ा सब्जेक्ट है, तो इसको हम अगर ये टेढ़ा है तो हम और ज्यादा टेढ़ा है भाई। तू अगर नहीं दे रहा कहीं से तो हम भी कोर्स बुक पे चल जाएंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो हम थोड़ा बहुत कोर्स बुक को 15 to 20% हम कोर्स बुक को यूज करना पड़ेगा हमको फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, ठीक है। और लास्ट में ड्यूपिट इक्वेशन, इस ड्यूपिट इक्वेशन को भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी बुक में इसका कोई क्वेश्चन देके नहीं रखा हुआ है। अब मैं आपको इसका बताता हूँ कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको इसे कौन से पढ़ने हैं, ठीक है। तो अगर हम इस टॉपिक की बात करें विस्कस फ्लो की, तो देखो मैंने इसमें नोट लिखा है कि आपको, जैसे हमने कुछ चैप्टर में न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बिल्कुल मना करा हुआ है, बट इसमें आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना पड़ेगा, स्पेशली रेनॉल्ड्स नंबर पर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना। रेनॉल्ड्स नंबर का जो आपको रो वीडियो अपॉन म्यू जो होता है उसके ऊपर वो आपको कुछ भी डेंसिटी फाइंड करने के लिए बोल सकता है, विस्कोसिटी फाइंड करने के लिए बोल सकता है, डायमीटर फाइंड करने के लिए बोल देगा आपको, ठीक है। पाइप इन सीरीज एंड पैरेलल, इसके ऊपर वो आपको क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे देगा, दैट मींस एसएससी जेई में इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो आपको इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने हैं, ज्यादा हार्ड नहीं करने, इजी इजी लेवल के करने हैं। पाइप इन सीरीज एंड पैरेलल, इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ पाइप, इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। बुक्स की बात करते हैं हम लोग, तो आप वैसे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेना इस चैप्टर के, ऐसा नहीं कि आपकी आदत पड़ जाएगी हम तो एफएम में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, जिसमें बोला है करो जिसमें बोला है मत करो। बुक्स है आपका लक्ष्मी पब्लिकेशन में 50 to 67, खुरमी में 172 to 174, 232 से 248, वीएस मूर्ति में है आपका 107 से 125, और आरगोर में आपका 113 से लेके 117 तक, और उसके बाद 162 से लेके 170। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर।